कांग्रेस जो अब कह रही है 70 साल के बाद में, 50 साल 60 साल कांग्रेस ने शासन किया, बड़ी मजबूती शासन किया, और ये जो दलित मुस्लिम है, जो दबा कुचला वर्ग है, इसने पूरा भर भर के वोट दिया कांग्रेस को, एक तरफ वोट दिया, एक तरफ सरकारें बनवाई हैं, तो उस टाइम पर सर कांग्रेस को क्यों नहीं लगा? नहीं, अभी 5 साल में इनकी सरकारें, अभी जो पूरा कार्यकाल राजस्थान में कर चुकी हैं, छत्तीसगढ़ में कर चुकी हैं, आज ये कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। ये राजनीति है, इनकी तो राजनीति है, लेकिन जो दूसरे स्टेटों में जो ईमानदारी से जो बिहार में कराई है, वो राजनीति नहीं है, वो उस जाति का दर्द है। कांग्रेस धोखा दे रही है फिर बहुजनों को? कांग्रेस तो शुरू से ही उसने धोखा दिया है। देखिए, कांग्रेस क्या पूरी जो बुनियाद है दलितों को लेकर, माइनॉरिटी को लेकर, SC ST को लेकर, OBC को लेकर, वो एक धोखा है। हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं ना, राहुल प्रियंका देखिए तो हिस्सेदारी दे दें, हिस्सेदारी दे दें, क्या दिक्कत है? तो बना दें ना खड़गे साहब को, क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे? अगर आपको शर्म आ रही है, आपने जगदीप राम जी को बेकार किया, आपने दिल्ली में जो प्रेम चौधरी को उनको बेकार किया, तो आपने क्या किया? आपने जितने भी दलित हमारे, जितने भी SC के मेन, SC के जो हमारे जाटव समुदाय के थे, जो बड़े बड़े लीडर थे कांग्रेस में, क्या किया आपने? आपने केवल उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया है। आपने कभी भी उनको एक जो संवैधानिक जो कुर्सी होती है, बड़ी कुर्सी जो होती है, कभी नहीं पहुँचाया। अगर अब कांग्रेस पाप धोना चाहती है, कांग्रेस वास्तव में दलितों के हितैषी है, तो आज वो डिक्लेयर कर दे, जैसे मोदी साहब को करा था BJP ने, तो कहने से थोड़ी ना होगा। उससे पहले भी तो कांग्रेस थी ना, 10 साल पहले, 10 साल पहले कांग्रेस थी, कितने सचिव थे SC, कितने OBC सचिव, अपना नहीं देंगे हिसाब। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, कॉलेजियम सिस्टम कहाँ से आया? कांग्रेस लेके आई थी, BJP तो लेके नहीं आई, और कोई पार्टी लेके नहीं आई। तो मेन चीज़ है, जब आप ईमानदारी से काम नहीं करोगे, आज बिहार में जो नीतीश गवर्नमेंट ने, उसने हिम्मत दिखाई है, उसने आईना दिखाया पूरी पूरी कांग्रेस को, पूरी और जो पार्टियां हैं उनको भी आईना दिखाने का काम किया, और उन्होंने जातिगत जो जनगणना कराई है, और उस पर जो पूरे देश में जो हलचल है, पूरे RSS में हलचल है, BJP में हलचल है, दूसरी पार्टी में भी हलचल है, और आज वो जो बात कर रहे हैं, वो बात ना करें, वो अपने अपने राज्यों में ईमानदारी से वहाँ पर पूरी जाति का उसकी कराएं, जनगणना कराएं। और हम तो नीतीश कुमार का पूरा वेलकम करते हैं, जो उन्होंने इसका वेलकम, इसका ब्राह्मण इसके विरोध में उतर जाएं, देखिए। नहीं नहीं, ब्राह्मण को तो देखिए, ब्राह्मण की अब पोल खुल गई है ना। देखिए, जाति से क्या हो रहा है, पहले केवल हम खाली सुनते थे कि 85% है, 85% है, 15% है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं था। ये पहली बार हुआ 1931 के बाद में, पहली बार हुआ कि हमारे देश में जातिगत जनगणना हुई है, और ये पहली बार मालूम चला कि ब्राह्मण जो है वो इस देश में जो जनरल है वो 15% है, और जो बाकी जो है, जो OBC, जो बैकवर्ड, बहुत बड़ा OBC का वर्ड है, वो भारत में 62% उसकी आबादी, मतलब एक स्टेट में। अगर ये हम पूरे देश में देखा जाए, उसी स्टेट को लेके अगर हम पूरे देश की बात करें, तो OBC की जो है, जिसको आज तक कुछ नहीं मिला है, जिसको धर्म के नाम पे आपने सो कॉल्ड मॉडल बना के छोड़ दिया है, और उसको अधिकार कुछ नहीं दिया है, और आज वो अपना अधिकार मांग रहा है, वो कह रहा है कि हमें हमारी आबादी के हिसाब से हमारी भागीदारी दीजिए, तो क्या बुराई है? अच्छी बात है, वेलकम होना चाहिए। और अगर कांग्रेस ईमानदारी से कहे, तो खड़गे साहब को कर दे PM घोषित, पहला अधिकार तो यही दे दे, पहला अधिकार जो है हमारा, जो इतने सालों से SC ST की वोट लेके कांग्रेस ने केवल राजनीति की है, तो खड़गे साहब है, उनको बनाए PM का। तो मना कर चुका है ना कि हम PM नहीं बनाएंगे, देखिए क्यों नहीं बना सकते, क्या दिक्कत है? इतने एक्सपीरियंस आदमी राहुल गांधी खुद अपने आप को कहां डिक्लेयर कर रहे हैं, उन्होंने कहा अगर राहुल गांधी, देखिए ये तो अच्छा मौका है, मैं कह रहा हूं कांग्रेस के जितने कांग्रेस ने पाप किए हैं ना आज तक, जितने भी जो भी एलिगेशन लगे, तो ये पाप धोने का बहुत बड़ा मौका है। खड़गे साहब हैं, खड़गे साहब का कोई विरोध भी नहीं करेगा, सीना दिखाएं, आए सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी आए, राहुल गांधी आए, कहें, स्टेटमेंट दें कि हम नेक्स्ट PM जो होगा हमारी तरफ से खड़गे साहब होगा। खड़गे साहब का कोई विरोध भी नहीं करेगा आज के टाइम पे, SC दलित का कोई भी विरोध नहीं करेगा। आप हिम्मत तो कीजिए, आप क्यों नहीं कर रहे हिम्मत? आप गोलमोल करके बात नहीं कर सकते? 5 साल आपने शासन कर लिया छत्तीसगढ़ में, 5 साल शासन कर लिया आपने बिहार में, 5 साल शासन कर लिया आपने राजस्थान में, आप राजस्थान में 5 साल शासन करने के बाद में आप कह रहे हो हम वहाँ पर जातिगत जनगणना कराएंगे, ये केवल राजनीतिक स्टंट है। आप 5 साल पहले क्यों नहीं कराया आपने? आप 5 साल पहले कराते तो पूरे देश को मालूम चलता, लोग आप पे विश्वास कैसे करेंगे? आपकी दोगली दोगली नीतियों से ही लोग आपसे पीछे छूटे हैं। आज हर स्टेट में कांग्रेस कमज़ोर हुई है, अपनी दोगली चालों की वजह से, अपनी कमजोरियों की वजह से। केवल वोट चाहिए, माइनॉरिटी का वोट चाहिए, SC का वोट चाहिए, OBC मेनली SC का वोट चाहिए, माइनॉरिटी का चाहिए, लेकिन जब अधिकार की बात आती है तो अधिकार उनको बिल्कुल भी नहीं देना है। बहुजन झांसे में क्यों आएगा? बहुजन पहले हिस्सा मांगेगा,
जैसे ओबीसी मांग रहा है ना, आज ओबीसी कहाँ के खुली है, वो कह रहा हमें दो, हमें 27% आरक्षण क्यों चाहिए, हमारी आबादी 62% है देश में, अगर 62% है तो हमें पूरा चाहिए 62% चाहिए ना, उसी हिसाब से जो हमारा SC जो समुदाय है जो 50-60 साल से कांग्रेस पे विश्वास करके वन साइड वोट दिया है, तो हम अपना अधिकार मांगेंगे, जो हम हर स्टेट में पिछड़े हुए हैं, हमारे जितने संवैधानिक पद पे हमारे लोग नहीं हैं, हमें वो चीज़ चाहिए, दे देंगे। तो सर 2024 में तो लड़ाई इंडिया वर्सेस NDA की हो रही है, तो ऐसे में बहुजन समाज किधर जाए? बहुजन समाज वहाँ जाएगा जहाँ बहुजन समाज के अधिकारों की रक्षा करेगा, जहाँ उसके अधिकारों की बात करेगा, जहाँ उसको गारंटी देगा कि जिसकी भी सरकार बनेगी तुम्हारे मुंह पर नहीं मूता जाएगा, तुम्हारे हाथ पैर नहीं काटे जाएंगे, तुम्हारी बारातें नहीं रोकी जाएंगी, तुम्हारी बहन बेटी का रेप नहीं होगा, ठीक है, और ये गारंटी दे पहले जो हमारे जो सामाजिक दायरा है कि सरकार किसी की भी हो, देखिए चाहे राजस्थान में सरकार हो, छत्तीसगढ़ में सरकार हो, बिहार में सरकार हो, मध्य प्रदेश में सरकार हो, या BJP की भी कोई सरकार हो, हमारे लोगों के साथ तो डेली अत्याचार हो रहा है, डेली मारा जा रहा है, उनके मुंह पर मूदा जा रहा है, उनके हाथ पर काटे जा रहे हैं, बहन बेटियों का रेप हो रहा है, तो हमें तो गारंटी चाहिए, सबसे पहले तो हमें गारंटी चाहिए कि अगर राजस्थान में हम दोबारा वोट क्यों दें, अपने मतलब सचिन जैसे बच्चों को मरवाने के लिए दें, तो बच्चा मेघवाल था उसको मार दिया गया इसलिए दें, सरकार तो वहाँ पर साथ कभी नहीं दिखी। ESP गठबंधन में नहीं है, ना ही इंडिया ना NDA में, तो क्या देखिए क्या है स्टेटों में जहाँ जो कमज़ोर है, जहाँ जो राज्य में कमज़ोर है वहाँ तो उसको भागीदारी मिलेगी नहीं। हम ये कह रहे हैं अगर गठबंधन बना रहे हो ईमानदारी से, जहाँ जो भी पार्टी मजबूत है, जहाँ जो पार्टी मजबूत है आपको उसी हिसाब से उसकी सीटें बांट देनी चाहिए। तो कांग्रेस इस बात पर सहमत नहीं है ना, देखिए राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। नहीं, कांग्रेस को सहमत होना पड़ेगा, उसको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। अगर हम कह रहे हैं ना, अगर कांग्रेस को ईमानदारी से गठबंधन को साथ में लेना है, जो छोटे छोटे दल हैं उनको साथ में लेना है, तो अपना थोड़ा सा हिस्सा उसको देना पड़ेगा, उनकी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उनको सम्मान देना पड़ेगा। अगर आपने सम्मान नहीं दिया तो आपकी 47 सीटें हैं, आगे 30 भी नहीं मिलेंगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो छोटे दलों को, जो स्टेट के दल हैं, जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको उनको गले लगाना ही पड़ेगा, बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। जब तक आप बड़ा दिल नहीं दिखाओगे वो आप पे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि धोखा आप लोगों ने दिया है। आज जितनी भी पार्टी बनी है वो सब कांग्रेस में टूट के बनी है, और कहीं ना कहीं वो जब बनी है जब उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हुई और उनके अधिकार छीने गए। तो क्या लग रहा है ये गठबंधन चल पाएगा, जिस प्रकार अखिलेश यादव ने कल कहा है कि हम तो नहीं कर पाएंगे? नहीं, ये सब अभी ना, इलेक्शन तो दूर है, ये सब ना प्रेशर बनाने के लिए है, ये सब प्रेशर बन, ये लास्ट में अखिलेश भी जितने हैं सब गठबंधन में आएंगे, और पूरी तरीके से जो गठबंधन का मैनिफेस्टो होगा उसी पे ये लोग चलेंगे, उसी की बात मानेंगे। अभी तो प्रेशर है स्टेट का प्रेशर। लेकिन सर ये बात राहुल गांधी उठा रहे हैं कि 3 सचिव हैं और वो 85-15 की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जिस तरह से अभी जो चुनाव में कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं उनमें तो ज़्यादातर वो टिकट जो है वो सवर्णों को ही दे रहे हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, अभी आप देखिए ना राजस्थान में जो आप टिकट बांट रहे हो, अपने स्टेट छत्तीसगढ़ में जो टिकट बांट रहे हो, कितने SC को टिकट है, कितने OBC को टिकट है, नहीं कितने माइनॉरिटी को टिकट है, कितनी महिलाओं को टिकट है, SC महिलाओं को कितने को टिकट है? आप जो SC महिलाओं की बात कर रहे हो रिजर्वेशन की, कितने को टिकट दिया आपने? ईमानदारी से आप, ईमानदारी आपको दिखानी पड़ेगी, कहने भर से नहीं होगा कि 3 सचिव हैं, 4 सचिव हैं, एक भी जज नहीं है, इससे नहीं होगा। आपको अपने पहले दिखाना पड़ेगा, अपना जो आप जो टिकट बांट रहे हो उसमें हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, खाली बात करने से नहीं होगा।